राधे राधे फ्रेंड्स, जय छठी मैया। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीला मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भोर का ये जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, जो छठ पूजा का भोर में 4 बजे से शुरू हो जाता है, पानी में जो खड़ा होने के बाद जब सूर्य उगता है तो अर्घ देते हैं, उस टाइम का ये ब्लॉग है। और ये ब्लॉग हमारा मायके का है, तो फिर मायके में हमारा जो छठ पूजा मनाया गया था फ्रेंड्स, अचानक से ही हमें जाना पड़ा और मैं गई भी थी फ्रेंड्स। वहाँ का ये जो पूजा छठ पूजा पर्व का जो ब्लॉग है, इसको तो हमने किसी भी तरीके से दूसरे मोबाइल से शूट कर लिया था, लेकिन जो वहाँ पहुँचने का ब्लॉग होता है, मायके का, घर का जो होता है, सभी से मिलवाने का जो होता है, वो सभी मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि उस समय माइंड भी बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी था, क्योंकि मोबाइल बनवाते जा रहे थे, कुछ ना कुछ उसमें खराबी आता जा रहा था, तो इसलिए कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये जो खड़ी है हमारी छोटी बहन है, ये अभी जो जा रही है ये उससे बड़ी है, यानी दोनों छोटी ही हैं मुझसे। और बाजू में सनी खड़ा है, और फिर यहाँ नीचे जो भी पूजा का पर्व चल रहा है, बेदी हमारे ही घर का है, और जो छोटी सी बच्ची बैठी है हमारी भतीजी है, उसके बाजू में जो सभी कुछ पूजा का तैयारी चल रहा है वो बेदी हमारे ही घर का है। और अभी आप सभी को पूरा घुमाते हैं, चलते हैं, लेकर चलते हैं, क्योंकि इधर का जितना भी है अपने मार्केट के तरफ का ही है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का मंदिर काली चौरा मंदिर है, वहाँ पर ही ये छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। तो यहाँ सृष्टि बैठी है, आप सभी को हाय बोल रही है फ्रेंड्स। और यहाँ आप मिलवाते हैं अपने कुछ भाभियों से, यहाँ हमारे भाई साहब हैं, तो ये देख सकते हैं जो भतीजा लगता है इसको भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे करके चलते हैं, मिलवाते हैं अपने कुछ भाभियों से, आप सभी से। तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी भाभियाँ जितनी भी हैं हमसे बड़ी ही हैं उम्र में, और यहाँ ये सभी हमारी भतीजी हैं। तो हम क्लियर किसी से नहीं मिलवा पाए थे फ्रेंड्स, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा क्लिप हम शूट कर लिए थे। तो यहाँ पर भाभी हमारी अपना अभी बेदी पर ही बैठी हैं, अभी पानी में जाने का तैयारी होगा, क्योंकि ये भोर वाला पूजा का क्लिप है, और शाम वाला जो क्लिप है आप सभी को दूसरे वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि अभी यही वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया और इसमें से हम कोई भी क्लिप नहीं हटाना चाहते थे। तो यहाँ पर अभी तैयारी हो रहा है सारा, यहाँ जो वेदी का दीपक उपक जलाने का है, सभी कुछ हो चुका है, बस अभी सभी लोग पानी में उतरेंगे। तो बस अब यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं, ये भी भाभी हैं, दोनों बैठी हैं उस साइड, और दोनों भाभी इस साइड बैठी हैं, सभी भाभियाँ ये सब हमसे बड़ी ही हैं, और बहुत ही, जैसे कि पहले का क्या होता है फ्रेंड्स, अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है मायके जाने का, लेकिन ये सभी हमेशा ही मिस करती थी, कभी भी जब उस रास्ते से हम जाते थे पीछे के साइड, तो ये सभी भाभियाँ बुलाती थी, थोड़ा सा आओ, जैसे कि होता है ना मायके का कुछ अलग ही होता है। तो थोड़े से कुछ पल के लिए ही पहुंचे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सबको देखकर, सबसे मिलकर। यहाँ हमारे पापा बैठे हैं, और बाजू में जो बैठे हैं भैया जी, तो फिर ये जैसे इनका भी कोई चैनल है, और चैनल का नाम तो नहीं याद है फ्रेंड्स, लेकिन यूट्यूब पर ये भी काम करते हैं, और बहुत ही अच्छा जो भी है, अभी आप सभी इनका वॉइस सुनिएगा, सभी कुछ जो माइक में बोलने का काम है यही भैया करते हैं। और यहाँ मैं खड़ी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत जल्दी में तैयारी हुआ था, और कुछ भी हमने जैसे हम थे सिंपल में वैसे ही चले आए थे। और यहाँ पर दिखा रहे हैं जो कुर्ता और पैजामा जो धोती है, उसमें उस ड्रेस में हमारा भाई था, क्लियर आप सभी को दिखा नहीं पाए अभी ऐसे ही कैमरा घुमाते हुए, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, सृष्टि बना रही है ब्लॉग, तो बस ऐसे ही आप सभी को कैमरा घुमाते दिखा रही है। तो अभी सबके बेदी का जो तैयारी होता है, दीपक जलाने का, धूप जलाने का, जो बत्ती जलाने का, सभी कुछ हो चुका है। तो अभी देख सकते हैं आप सभी, इधर भी
अपना कोई जैसे कि होता है ना, सबके वेदी पे सभी लोग सिंदूर लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, और जो है धूप अगरबत्ती दीपक जिनको जो भी कुछ जिनका अंदर से जो मन्नत होता है सभी कुछ मानते हुए सभी लोग पूरा करते हैं। ये वेदी हमारा ही है, हमारे घर का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारी छोटी भाभी है, तो ये बैठी है, उसके पीछे हमारी बहन है, हमारी बहन भी व्रत है। तो फिर ये इस साइड है, देख सकते हैं जो ये लड़की बैठी हुई है उसके बाजू में हमारी ये छोटी बहन है। तो ये भी अपना पहली साल इसका छठ पूजा का व्रत है, तो मायके से ही कर रही है। तो इधर उसके बीच में जो छोटा सा गोद में उसके बच्चा है वो भी हमारी छोटी बहन है, तो उसको दिखा रही है कैमरे में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा था सबसे मिलकर। और इसी सब एक एक जो ये होता है ना कि हर एक क्लिप अपने लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, इसलिए मैंने किसी भी क्लिप को कहीं से भी हटाया नहीं। हमने कहा एक तो हमारा आना नहीं हो पाता है, और सबसे बड़ी रीज़न यही है कि सनी के पापा का सेहत नहीं सही है, इसलिए हमारा और भी नहीं जाना हो पाता है। नहीं तो जब वो सही रहते थे तो जब भी मन होता था एक दो दिन के लिए घूम आते थे, और उतना तो हमें टाइम कभी नहीं मिला फ्रेंड्स रहने के लिए। और छोटे छोटे जब बच्चे होते थे पढ़ाई उढ़ाई नहीं चलता था तब रह लेते थे, लेकिन अभी जब से बच्चों का पढ़ाई शुरू हो गया तब से मैं कभी नहीं रही। ज़्यादा टाइम के लिए रहना हो ही नहीं पाता था, बस एक दो दिन के लिए सनी के पापा के साथ जाते थे, घूम कर चले आते थे। तो अब तो वो पल भी हमारे साथ नहीं है, एक दिन के लिए ही जाना हो। अभी किसी भी तरीके से पूजा के पर्व पर हम चले गए थे, छठ पूजा पर्व पर, और सृष्टि सौरभ वहीं थे, उन्हीं के कहने पे मैं चली गई थी फ्रेंड्स। और अब यहाँ से अपने वॉइस को बंद करते हैं, रियल वॉइस आप सभी सुनिए, और भैया जी जो बैठे थे उनका वॉइस है। और अभी आप सभी से मिलते हैं वीडियो के एंड में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। आप सभी भी इंजॉय कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो। और किस सौभाग्य से हमारा जन्म सनातन संस्कृत में होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, और आज हम इन्हीं विषयों पर आपसे बातचीत करेंगे। और उम्मीद है कि हमारे द्वारा भजनों में, मंत्रों में, शब्दों की अभिव्यक्ति में, भाषा की शैली में अगर कोई भी त्रुटि होती है, जानकारी में कोई भी त्रुटि होती है, तो अपना ही बालक जानकर अपना ही भाई जान प्रार्थना करती है। और भाई इधर देखो तो इस महान पर्व पर पूजा पद्धति में तो कहा जाता है कि हम बात करते हैं कि नित्य पूजा की, तो नित्य पूजा हम लोग सभी देवों की करते हैं, अपने अपने आराध्य की करते हैं। एक परंपरा है नित्य पूजा की, तो नित्य पूजा पद्धति में अगर आप सूर्य को, भगवान सूर्य को क्योंकि है सूर्य से जुड़ा हुआ पर्व है, माताएं और बहनें हैं चाहे वो पुरुष भी हो, अगर मेरी बातों को ध्यान से अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है परिवार बढ़ता है, वंश बढ़ता है। ऐसा हमारे डर देखो तो इस महान पर्व पर पूजा पद्धति में तो कहा जाता है कि हम बात करते हैं कि नित्य पूजा की, तो नित्य पूजा हम लोग सभी देवों की करते हैं, अपने अपने आराध्य की करते हैं। एक परंपरा है नित्य पूजा की, तो नित्य पूजा पद्धति में अगर आप सूर्य को, भगवान सूर्य को क्योंकि है सूर्य से जुड़ा हुआ पर्व है, माताएं और बहनें हैं चाहे वो पुरुष भी हो, अगर मेरी बातों को ध्यान से अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है परिवार बढ़ता है, वंश बढ़ता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। तो ये है छठ पर्व की महिमा। छठ पर्व में केवल आज ही हम सूर्य की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि साल भर सूर्य भगवान की पूजा और उपासना करते हैं। और कहा जाता है आप हर विधा में संपूर्ण रूप से हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण आप हैं, और आपकी गणना विद्वानों में की जाती है, और आप ही लोगों से सीखा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे गुरु भी जो है पंडित विनोद शुक्ल जी हैं, उन्हीं के माध्यम से मुझे जानकारियां मिलती हैं, हम उनको गुरु मानते हैं। और उसी क्रम में हम माँ काली के जो पुजारी जी हैं
उमाकांत तिवारी जी को, उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और काली प्रसाद तिवारी जी को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप श्रेष्ठ जनों, गुरु जनों, इसी तरह ज्ञान और अस्तिका से जुड़ा हुआ, विज्ञान से जुड़ा हुआ, विधान से जुड़ा हुआ ज्ञान हमको प्रदत्त कीजिए ताकि हम लोगों को वितरित करें। जबरदस्त एमोजी ज्यादा मत बोल, जो कि अग्नि राशि के स्वामी है और सूर्य जो है अग्नि के प्रतीक है, सूर्य भगवान बनाए हैं और अग्नि के प्रतीक है ना, ये पढ़ाई है। ये कौन थे? दानवे तिल्ली का, तो अग्नि और धागा। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस जयकारे का लाभ क्या है, क्योंकि आज का मानव जीवन सिर्फ लाभ के पीछे भागता है, वो हर जगह लाभ खोजता है। इस जयकारे के साथ मानव जी लेटा कर रहे हैं, द्रवना लेते हैं, बीमारी को कहते हैं, सात बजे से पहले ना हो गई। देखो बताओ आप, हंसी गलत है, कौन चीज का पेड़ है वो नहीं लगता है। गंदगी पे विशेष ध्यान दे, जहाँ तक मुझे कहा गया पूजा, अगर भाई पकड़ा हूँ तो उसको वही मतलब मोहक बोले ढंगला गया। बहुत सुंदर सुंदर बात, हमारे फोटो ही में आए जी, कान खींच लिया। एक शब्द पे भी आप ध्यान दे, हमारे तो मैं भेज काला वाला बनाए पूजा वाले छोटे पंजाबी भगवान ने इतनी सुंदर
अभी म्यूजिक शुरू हो गया है फ्रेंड्स, तो बस सब देख सकते हैं सभी लोग पानी में अर्घ देना शुरू कर दिए हैं क्योंकि सूर्य भगवान उग चुके हैं और इसी का इंतजार सबको रहता है क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान बहुत ज़्यादा वेट भी करवाते हैं, सामने जल्दी आते नहीं हैं। तो बस अब यहाँ पर सभी लोग अर्घ दे रहे हैं और ये हैं हमारे छोटे बनोई यानी हमारी जो छोटी बहन है उनके हस्बैंड है और यहाँ पर देख सकते हैं अर्घ देने की तैयारी हो रही है। हमारा भाई जो है अर्घ देकर बाहर आ रहा है जो पगड़ी बांधा हुआ है और बच्चे भी खड़े हैं सभी अर्घ देने के लिए और यहाँ पर अभी जा रहे हैं हमारे छोटी जो बनोई हैं ए और ये हमारी भतीजी है, भतीजे हैं, सभी लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं अर्घ देने के लिए। तो अभी हम
सृष्टि से हमने कहा शूट कर ले, क्योंकि सृष्टि भी पानी में ही थी, उसको भी अभी अर्घ देने जाना है। तो हमने कहा इधर का जो क्लिफ है थोड़ा सा शूट कर ले, इसके बाद से फिर आप सभी से थोड़ा सामने से मिलते हैं। लेकिन वॉइस नहीं देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूजिक का आवाज़ आ रहा था, इसलिए हम वॉइस को म्यूट कर दिए हैं। क्योंकि वीडियो के शुरू में भी जब तक पानी में सभी लोग नहीं थे तब तक म्यूजिक सुनाई दे रहा था, तो हमने आवाज़ को म्यूट कर दिया। बाकी का जो भी आवाज़ है सभी रियल ही रखा हुआ है वीडियो का। हमने कहा आप सभी भी फुल एंजॉय कीजिए रियल आवाज़ के वॉइस के वीडियो को। और यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, क्योंकि ये जो काली मंदिर है देवगांव काली मंदिर का, ये हमारे मायके साइड का देवगांव काली मंदिर के यहाँ ही ये जो छठ पूजा पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पर एक दो जगह और है जगह जहाँ पर मनाते हैं, काफ़ी जो भक्त लोग हैं माता छठ का पूजा करते हैं, वहाँ भी काफ़ी भीड़ लगता है। लेकिन ये जो भीड़ भाड़ का माहौल है जितना भी है आप सभी देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भीड़ है और ना ही बहुत खाली ही है, तो बहुत अच्छे से पूजा हो जाता है यहाँ पर काली मंदिर के पास। और मंदिर की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भोर में 4 बजे से ही सबको, जितने भी भक्तगण हैं सभी को चाय वगैरह का सुविधा भी था, सभी को चाय भी मिल गया। और साउंड वगैरह बज रहे थे इसलिए हम अभी वॉइस नहीं, अपना जो वीडियो का वॉइस है म्यूट कर दिए हैं। अभी तक चाय बट ही रहा है, क्योंकि अभी जो पानी से निकल कर आ रहे हैं उनके लिए चाय दिया जा रहा है। यहाँ हमारे पापा हैं जो इस काली मंदिर के पुजारी हैं, तो देख सकते हैं पापा हमारे इस साइड हैं और मैं आप सभी को पापा से मिलवा रही हूँ। हमेशा ही मंदिर पर मंदिर का सेवा वगैरह करते हैं और माता रानी का। और इसके बाद से फिर यहाँ पर जैसे कि काली मंदिर, हनुमान मंदिर और माँ दुर्गा का मंदिर, सभी मंदिर मौजूद है, तो अच्छे से यहाँ का देखभाल करते हैं। काफ़ी बड़ा है ये जो मंदिर का जगह है, तो सभी कुछ इनके ऊपर ही रहता है मंदिर का देखभाल। और सफाई वफाई करने के लिए 2-3 बच्चे हैं तो वो सभी करते हैं। तो ऐसे में आप सभी से हमने कहा कि मिलवा देते हैं, जो भी कुछ ब्लॉग यहीं शूट हो पाया था फ्रेंड्स। घर पर कोई भी ब्लॉग हम नहीं शूट कर पाए थे, थोड़ा सा भी क्लिप हमने नहीं लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा जल्द हम मॉर्निंग के टाइम तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी था, पहुँचने के टाइम हम पहुँच गए थे टाइम से, जिस टाइम पर छठ पूजा के लिए निकला जाता है घर से ठीक उसी टाइम पर मैं पहुँची थी। बिल्कुल हमें समय ही नहीं था कि हम थोड़ा सा भी जैसे ब्लॉग बनाए शूट करें, या मैं मायके आ गई हूँ। और फिर इसके बाद से वहाँ से निकलने के बाद फिर तुरंत से मैं चली गई थी जैसे यहाँ पूजा में शामिल हो गई, शाम वाले पूजा में, छठ पूजा में। इसके बाद से फिर घर पहुँची तो हमें और भी जो मन्नत हमने मांगा हुआ था उसको पूरा करना था, तो वहाँ चली गई थी। उसके बाद रात हो गया था फ्रेंड्स, तो फिर मौका ही नहीं मिला, जो भी फैमिली परिवार लोग सब इकट्ठा हुए थे बातें वातें करने में सब निकल गया समय हमारा। उसके बाद मॉर्निंग में तो हमें बिल्कुल किसी भी चीज़ का याद नहीं था, मॉर्निंग का पूजा जो छठ का है उसको बीतने के बाद फिर गई थी एक जगह हमने माना हुआ था, जो कुछ या नहीं मानते हैं फिर भी वहाँ दर्शन करने जाते ही हैं, तो वहाँ का हमने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था। इसलिए फिर वहाँ आने के बाद तुरंत हमें यही था कि कब घर पहुँच जाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग में जो भी है जैसे कि सनी के पापा को नहलाने उलाने का जो भी सारा काम होता है हमें काफ़ी टेंशन सा बना रहा, तो इसलिए मैं वहाँ से तुरंत निकल गई। अब यहाँ पर सभी कुछ हो चुका है फ्रेंड्स, जो भी है छठ पूजा का सुबह का अर्घ उर्घ हो चुका है, इसके बाद से आरती भी हो गया मंदिर का। तो फिर हमने कहा अब घर जा रहे हैं तो थोड़ा माता रानी के पास मत्था टेक लेते हैं और इसके बाद से निकलते हैं घर। तो सबसे पहले मैं काली मंदिर में गई थी, काली माता के मंदिर में, इसके बाद से अभी दुर्गा माता के मंदिर में और फिर हनुमान जी के मंदिर में चलते हैं और इसके बाद से फिर चलते हैं घर पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पापा ही हैं, क्योंकि सारे मंदिर का देखभाल पूजा पाठ का जितना भी काम है सभी पापा ही करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर में, तो अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर से ही इनका बस आशीर्वाद ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद से चलते हैं और आप सभी अपना फुल प्यार और सपोर्ट दीजिएगा फ्रेंड्स, प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आज सुबह के टाइम हम, आज दिन सोमवार का है फ्रेंड्स, सुबह के टाइम हम गए थे खेत में तो वहाँ का थोड़ा सा लाइव चालू कर दिए थे आप सभी को
हमने कहा आप सभी भी हमारे विलेज लाइव की जो भी लाइव है आप सभी इंजॉय कीजिए, लाइव देखिए कि किस तरीके से मैं अपने धान का कटाई कर रही हूँ। और धान तो बिल्कुल नहीं हुआ है, सभी कुछ आप सभी को लाइव ही हमने दिखाया। यहाँ हमारी छोटी बहन है तो इसी को लेकर अभी जाना है हमें एक मंदिर पर, और वो जो मंदिर है फ्रेंड्स थोड़ा सा दूर है, तो इसको साथ में लेकर जाएंगे सनी के साथ, तो वहाँ भी दर्शन करके आएंगे तभी घर के लिए निकलेंगे। तुरंत बिल्कुल टाइम नहीं है और हालत आप सभी देख सकते हैं घर पे जिस तरीके से रहते हैं। बस तुरंत से हमने सिंपल से ही साड़ी पहना कल शाम को, और फिर सुबह के लिए जो हमें सही लगा वही रख लिया, क्योंकि अभी ब्लाउज वगैरह कई साड़ी के हमें तैयार करने थे, तो इसलिए हम बस ऐसे ही रख कर तैयार हो गए। और ये जो रास्ता है सीधे सड़क के पास जाता है, तो अब घर के लिए निकल दिए हैं फ्रेंड्स, चलते हैं घर पर। लेकिन घर तक ये ब्लॉग सृष्टि नहीं शूट करती है, और सृष्टि का ही देन है कि ये जो पूजा पाठ का थोड़ा सा ब्लॉग है फ्रेंड्स ये भी शूट हो गया था, नहीं तो हमारे माइंड में बस यही घर का ही टेंशन था। सब हमेशा रोज घर घर का ही काम होता रहता है, घर के ही सभी कुछ दिखाते रहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एक दिन के लिए एक घंटे के लिए समझिए घर से निकले हैं मायके में, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान पूरा पूरा घर पर ही है। और इस टाइम पर भी घर के ही जो भी है एक एक हमारे दिमाग में चल रहे हैं कि ये होगा वो होगा कैसे होगा, तो अभी यही सब सोचते जा रहे हैं। क्योंकि सनी के पापा अकेले थे और बहू है, तो फिर चाय नाश्ता जो भी है उसको हम जैसे उनके देखरेख के लिए घर पर छोड़े हुए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आ चुके हैं सड़क के किनारे, और इससे अभी और आगे हटकर हमारा घर है। तो क्योंकि आप सभी को हमने बताया है कि शहर से ही हम हैं और सिटी से ही, तो अभी आगे थोड़ा और बढ़ेंगे फ्रेंड्स तब हमारा आएगा घर। लेकिन वहाँ तक का सृष्टि नहीं ली थी, हमें बहुत ज़्यादा पछतावा आया जब हमने वीडियो देखा। काश आप सभी को मैं मायके का घर भी थोड़ा सा ही दिख गया होता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं हो पाया था ऐसा। तो चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बनाए रहिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि हमारा जो ब्लॉग है आप सभी को कैसा लगा। और अभी तो चलते जा रहे हैं और दिखाएंगे आप सभी को शाम का वीडियो, अगले वीडियो में दिखाएंगे आप सभी को। तो बस अभी इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी यही ब्लॉग हो गया था, और इसी में अगर शाम का भी ब्लॉग ऐड करते तो काफ़ी लेंथी हो